सबसे पहले जो है फ़िश को मैरिनेट करेंगे जिसके लिए तीन खाने का चम्मच जो है मैंने दही ले ली है और इसमें जो है एक खाने का चम्मच अदरक लहसन कुटा हुआ और चार अदक हरी मिर्चें कुटी हुई ऐड कर दी हैं एक चाय का चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर और मैं इसमें यहाँ पे ऐड करूँगी एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ एक खाने का चम्मच साबित धनिया कुटा हुआ एक चाय का चम्मच होम मेड गर्म मसाला पाउडर इसकी रेसिपी आपको मेरे कुकिंग चैनल मसाला किचन पर मिल जाएगी आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ पर नमक जो है हसबे ज़रूरत मैंने ऐड कर दिया एक खाने का चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुकिंग ऑयल ये yeah, ऐड करने के बाद मसाले को यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें क्योंकि मिक्स करना जो है मैंने हमेशा कहा है मैरिनेशन में मिक्सिंग जो है मोस्ट इंपॉटेंट है वो ज़बरदस्त किस्म की होनी चाहिए नौ पीस जो है मैंने यहाँ पे सुरमई मछली ली है क्योंकि बिरयानी जो है वो सुरमई मछली की बनाई जाती है मार्केट वाले भी जो है सुरमई मछली की ही बिरयानी बनाते हैं तो आप देख लीजिए सुरमई मछली की शक्ल कुछ इस तरीके से होती है इसको जो है मसाले में ऐड कर दिया है और मैं बिल्कुल लाइट हैंड से चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि मछली जो है वो टूटे नहीं क्योंकि आपको पता है मछली बड़ी नाजुक सी होती है ना बहुत जल्दी जो है वो टूटती है तो यहाँ पर जो है अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर इसको भी ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए मैंने मछली का नाम आपको फिर बता दिया सुरमई मछली आसानी के साथ मार्केट में मिल जाती है अभी तो सीज़न भी है तो मिल जाएगा आधा घंटा देते हैं इसको रेस्ट जब तक चलते हैं अपनी बिरयानी के और स्टेप्स की तरफ यहाँ पे जो है मैंने एक किलो बासमती चावल ले लिया जिसको मैंने भिगो के रख दिया है और तकरीबन जो है इसको मैं बीस से मिनट से लेकर तीस मिनट तक इसको भिगो के रखूंगी ये बिरयानी मैं बासमती में बना रही हूँ अभी यहाँ पे मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और कुकिंग ऑयल में जो है मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी दो बड़ी प्याज कुकिंग ऑयल में जो आपको नज़र आ रहा है पकौड़े क्योंकि शाम में जो मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी ना तो पकौड़े जो मैंने उसमें फ़्राई किए थे तो मैं वही कुकिंग ऑयल जो है उसको यूज़ कर ले रही हूँ तो यहाँ पर मैंने दो बड़ी प्याज जिसको मैंने गोल गोल कट कर लिया था और प्याज के साथ ही इसमें कुछ मसाले जाएंगे जिसमें दो अदद तीज पत्ता और यहाँ पे एक चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा दो स्टिक दार चीनी की आधी चाय का चम्मच काली मिर्च छः अदद लौंग और दो बड़ी बड़ी वाली जो इलायची होती है ना वो इलायची इसको डाल के दोनों को जो है साथ हमें प्याज को ब्राउन करना है यहाँ पे देखें साबित मसाले के साथ जो है प्याज ब्राउन हो गया अच्छा जी मैंने एक अदद बादन फूल भी ऐड किया था उसमें फिर इसमें ऐड हो जाएगा एक खाने का चम्मच चॉप जो है अदरक लहसन और चार अदद हरी मिर्चें कुटी हुई ये हमने मछली की मैरिनेशन में भी ऐड किया है और ये हम बिरयानी का जो कोरमा बनाएंगे ना उसमें भी ऐड करेंगे चंद सेकेंड जो है इसको जो है भून लेते हैं ताकि इसकी खुशबू जो है अच्छी तरीके से प्यास में आ जाए अब इसमें मैं यहाँ पे ऐड करूँगी दो अदद बड़े टमाटर जी यहाँ बड़े टमाटर जो कि मैंने दो अदद ले लिए हैं इसको जो है इसमें ऐड कर दूँगी और यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि मसाला जो है ना इस स्टेप पर जो है बहुत ज़्यादा जलने लगता है तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसमें आधा प्याली के करीब जो है पानी ऐड कर दें पानी ऐड करने से ये होगा कि मसाला जो है जलेगा नहीं और आसानी से हम इसे भूनेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मसाला ही बनाएंगे इसका तो इसको बहुत ज़्यादा कवर वगैरह करके इसको रखने की जरूरत नहीं है चले जी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी से वीडियो को कर लाइक। like. एक खाने का चम्मच मैं इसमें ऐड करूंगी लाल मिर्चों का पाउडर क्योंकि बिरयानी का कोरमा जो है मज़े में तेज तेज हो तो अच्छा लगता है एक चाय का चम्मच इसमें चली जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें एक चाय का चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड होगा और यहाँ पे आधी चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर अब यहाँ पे इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक चाय का चम्मच चॉप्ड सफ़ेद जीरा और यहाँ पे इसमें मज़ेदार सा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे एक चाय का चम्मच चिकन पाउडर चिकन पाउडर स्किप मत कीजिएगा ये ज़रूर ऐड कीजिएगा बिरयानी में मार्केट वाले भी चिकन पाउडर ज़रूर ऐड करते हैं हर तरह की बिरयानी में वो चिकन पाउडर ज़रूर ऐड करते हैं नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा ऐड कीजिए क्योंकि चिकन पाउडर में भी अच्छा खासा नमक होता है फ़िश की मैरिनेशन में भी नमक है यहाँ पर जो है मैंने आलू बुखारे ले लिए हैं इसको भी ऐड कर दीजिए आलू बुखारा आपको जितना पसंद है उस लिहाज से जो है इसको ऐड कीजिए इसको जो है पानी में मैंने भिगो के रख दिया था क्योंकि ये थोड़े सख्त सख्ते हो रही है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए तो इसको मैं ऐड करूँ अब यहाँ पर मैं मसाले को जो परफेक्टली जो है थोड़ा भूनूंगी मसाला देखें थोड़ा भुनाया जा चुका है तो मैं यहाँ पे आधी प्याली इस स्टेज पे इसमें दही ऐड कर दूंगा टमाटरों को ना बहुत ज़्यादा मेष मत कीजिएगा टमाटर जो है ना थोड़े खिले खिले से रहे ना तो वो बिरयानी में जो है बड़ा ही खूबसूरत सा जो है मज़ेदार सा लुक दे रहे होते हैं और जब हमारी बाइट में वो आ रहा होता है ना तो एक खट्टा सा एक मजेदार सा फ्लेवर आ रहा होता है इसके साथ ही जो है जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे मसाले को जो है भून रही हूँ मीडियम फ्लेम पर रख के क्योंकि हमें जो है भूनते ही भूनते ना मसाले की जो है महक को जो है वो निकाल देना है यहाँ पे मसाला परफेक्टली भुनाया जा चुका है टमाटर देखिए मैंने बिल्कुल जो है उसको मेस नहीं किया है ऑयल जो है सेपरेट हो गया इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दो खाने का चम्मच हरा धनिया इसके साथ ही दो खाने का चम्मच इसमें चला जाएगा पुदीना ये दोनों चीज़ें ऐड करके बस ये आपने मिक्स कर देनी है इन दोनों चीज़ों का जो है ना बिरयानी में बड़ा ही मज़ेदार सा फ्लेवर जो है ना उठ कर आएगा तो ये आपने ज़रूर ऐड करना है यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद अब जो है फ्लेम को हम लोग कर देंगे ऑफ़ और अब बनाते हैं यहाँ पे चावल तो यहाँ पे पानी को मैंने कुकिंग ऑयल ऐड करके गरम कर लिया था खोला लिया था थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था और इसमें जो है चावल को ऐड करके बस जी चावल को बिरयानी के लिए तीन कनी तक इसको पका लेना है क्योंकि आपको पता ही बिरयानी का चावल थोड़ा हार्ट होता है बिल्कुल उसको नरम नरम नहीं बनाते हैं यहाँ पर जो है चावल बॉयल हो चुके हैं पानी जो है हमने उसका निकाल लिया है और यहाँ पर चावल को जो है मैंने रख दिया है ताकि इसकी हीट सही से निकल जाए अब यहाँ पर जो है फ़िश को फ्राई करना है फिश को जो है बहुत थोड़े से ऑयल में आपको फ़ील हो रहा होगा यहाँ पर पे पेन में बहुत थोड़ा ऑयल मैंने लिया हुआ है उसमें जो है यहाँ पर फ़िश को जो है मैं फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये रेसिपी जो है बिल्कुल मार्केट वाली रेसिपी है बिल्कुल कमर्शियल वाली रेसिपी है जिस तरीके से मार्केट वाले बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बना रही हूँ वो डे जो है कोरमे में फिश को नहीं ऐड करते हैं वो इस तरीके से फ्राई करके फिश को अलग से बनाते हैं इसीलिए इसका नाम है फिश टिक्का बिरयानी यहाँ पे जो है मैंने मीडियम हाई फ्लेम रख के बस ये दोनों तरफ से इसको जो है जल्दी जल्दी से फ्राई किया है क्योंकि बिरयानी में जब हम दम देंगे ना तो हमारी मछली जो है और गल जाएगी तो उस लिहाज से इसको बनाना है सबसे पहले बेस में जो है थोड़ा सा मैंने चावल ऐड किया उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा कोरमा जो है ऐड करके इसको जो है चावल के साथ मिक्स कर लूँगी ताकि बिरयानी जो है ना नीचे जाके बैठे नहीं और यहाँ पे मैं परफेक्टली जो है लेयर लगा लूँगी बिरयानी में जो है मछली की बिरयानी जो आप बनाए फ़िश बिरयानी बनाएं इसमें कभी भी बिरयानी को लेयर में ऐड नहीं किया जाता है ये एक वो ट्रिक है जो कि बहुत ही प्रोफेशनल ट्रिक है कमर्शियल ट्रिक है जी हाँ कमर्शियल रेसिपी की ट्रिक है कि क्योंकि डेफ़िनेटली आपने फ़िश को जो है लेयर्स में अगर ऐड कर दिया तो वो टूट जाएगी आपको पता है कि मछली कितनी नरम होती है और उसमें होते हैं कांटे फिर जो है दानों में बिरयानी में पूरे कांटे भर जाते हैं फिर वो खाने लायक नहीं रहती है इसीलिए इसको जो है कुछ एहतियात के साथ फिश बिरयानी यहां पे बनाई जाती है जो कि बहुत मजेदार बनती है बस आपने एहतियात करना है एक चाय का चम्मच बिरयानी एसेंस उसमें वन फोर टी स्पून ऑरेंज फूड कलर और वन टी स्पून मैंने उसमें पानी ऐड करके यहाँ पर मिक्सचर ऐड कर दिया इसको ऐड कर दिया और यहां पर मैंने एक टमाटर ले लिया था उसके जो है मैंने गोल गोल से स्लाइस कट कर दिए थे वो ऐड किया यहां पर पुदीना और हरा धनिया जो है ऊपर से मैं अच्छा खासा एक एक मुठ्ठी के करीब जो है डाल दूगा आपको पता है कि बिरयानी में एक जान सी खूबसूरती सी आ जाती है दिखने में भी अच्छा लगता है खाने में भी इसकी जो खुशबू है ना बहुत ज़बरदस्त लगती है और जैसा कि आपको पता है फ़िश बिरयानी है ना तो इसका जो फ़्लेवर जो है ना थोड़ा फ़िश को कंट्रोल करने की सब चीज़ें डालनी जाती हैं फ़िश को जो है ऊपर से मैंने सेट कर दिया है इस तरीके से बिल्कुल आपको इसी तरीके से इसको सेट करना है इसके ऊपर जो है मैंने चार बड़ी वाली जो बारीक हरी मिर्चें होती हैं उसको रखा अब इसको कवर करके मैं दूंगी दम पंद्रह मिनट इसको हमने दम पे रखा पाँच मिनट फुल और फिर दस मिनट हमने स्लो हीट पे इसको दम दिया है दम देने के बाद अभी जो है मछली के पीसेस को हम निकाल लेंगे उसके बाद जो है चावलों को मिक्स करेंगे बाज़ार में भी वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं अगर आपने बाज़ार की बिरयानी जो खाई है जो कि आजकल कराची में बड़ी फेमस हुई हुई है बर्नस रोट में बहुत मशहूर हुई हुई है मछली की ये टिक्का बिरयानी तो उनकी भी यही ट्रिक है कि फ़िश को कभी भी चावल क्योंकि फिर वो चावल खा नहीं सकते उसमें कांटे आ जाते हैं यहाँ पे जो है मजेदार सा जो है हमने इसको मिक्स कर लिया है अब यहाँ पे इसको सर्व कर लेंगे ये देखिए कितनी जबरदस्त आउटस्टैंडिंग लग रही है निकायानी है बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है रेसिपी पता नहीं किया अगर अब तक हमारे चैनल मसाला किचन और मसाला सब्सक्राइब कर लीजिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल है